जितने भी इंडियन फैंस हैं सब यही चाहते हैं कि इगोर स्टीमैच को सैक किया जाए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इंडियन नेशनल टीम का अगेंस्ट द अफगानिस्तान इन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, सबका यही मांग है। तो सबका मांग तो यही है कि इगोर स्टीमैच को सैक किया जाए, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट क्या है? तो मैं एक स्पेशल टॉपिक पर बात करूंगा कि जो इगोर स्टीमैच का रिप्लेसमेंट होगा, क्या वो रिप्लेसमेंट एक इंडियन कोच होना चाहिए कि एक फॉरेन कोच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल गली एंड आई एम सृजन। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो अगर आप डिस्कस करोगे कि हमें एक फॉरेनर कोच की जरूरत है या चाहे इंडियन कोच की जरूरत है, तो हमें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना पड़ेगा कि कहाँ हमें फायदा है कहाँ हमें घाटा है। तो पहले हम फॉरेन कोच के बारे में बात करते हैं। देखो, पिछले 2012 से लेके अब तक 2024 तक हमारे पास फॉरेनर कोच ही रहे हैं। इगोर स्टीमैच की बारे में बात कर ले तो 2019 से लेके 24 तक चले आ रहे हैं कोच, 5 साल ऑलमोस्ट। इससे पहले स्टेफिन कॉन्स्टेंटिन को 4 साल के लिए टाइम मिला था, इससे पहले एक और कोच थे इनको 2 साल। तो आप पिछले 12-13 साल में देखोगे तो हमेशा से फॉरेनर कोच रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठ कर स्टैटिकली आप देखोगे कि हम 2012 में हमारी क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है, तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो, ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स हो गया फॉरेनर कोच के कि आप आए बट इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, शुरुआती दौर में मोस्टली इंडियन कोचेस होते थे। जब परफॉर्मेंस एकदम खराब होने लगी तो यू नो वी नीड चेंज, तो चेंज एज ए चेंज के तौर पे फॉरेनर कोचेस के लाना स्टार्ट हुआ। और ये 2012 से मोस्टली बहुत सारे कोच एज ए फॉरेनर कोच को ट्राई किया गया इंडियन नेशनल टीम के लिए, लेकिन कभी भी इट डिडेंट वर्क, कभी भी काम नहीं करा। तो देखो, फॉरेनर कोच से आने से ये फायदा लग रहा था कि ये आएंगे, इनके पास नॉलेज होगा, टैलेंटेड होंगे, यू नो क्योंकि यूरोपियन क्लब्स में खेले हुए हैं, वहां का उनको नॉलेज है, तो वो आएंगे और वो इंडियन नेशनल टीम को इम्प्रूव करेंगे। बट देखो क्या होता है कि सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फॉरेनर कोच इंडिया में आता है, ठीक है, अगर उनको इंडियन फुटबॉल सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है यहाँ के चीजों को समझने में। क्या चीजों को समझने में लग जाता है, और फिर जब तक वो समझ पाते हैं तब तक उनके उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता बहुत चीजों का, ठीक है। अब देखो, बट यहां पे मैं इस तरीके से कट सकता हूं, क्योंकि अगर आप आईएसएल की बात करोगे तो बहुत सारे फॉरनर कोच हैं जो कि आईएसएल में खेलते हैं, उनको इंडियन फुटबॉलिंग सिस्टम का नॉलेज है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोच हैं, जैसे आप सर्जियो लोबेरो का नाम ले लो, मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे कोच हैं। इवन एसली वेस्टवुड जो कि बेंगलुरु एफसी को कोच थे, अभी अफगानिस्तान के, वो एक बढ़िया कोच है। तो यू नो वी हैव एन नंबर ऑफ कोचेस इन आईएसएल जो कि फुटबॉलिंग नेचर को समझते हैं इंडिया के। और दूसरे साइड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इंडियन कोच है, जैसे जामिल खालिद के नाम ले लो, ही इज अ गुड कोच, और बेंगलुरु एफसी के असिस्टेंट कोच चाहे अंडर 23 को अभी कोचिंग देने वाले नौशाद मूसा, इंडियन कोच है ये दोनों। तो वी हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस। बट बात कहाँ आती है यहाँ पे कि हमें तो अब तक 2012 से लेके 2024 तक फॉरनर कोच रहे, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। स्टेफिन कॉन्स्टेंटिन के टाइम में जब हम देखते थे तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलते थे, लॉन्ग बॉल खेलते थे, यू नो अपने ही हाफ में रहते थे, और वो एक अपने प्लान के तरह जाते थे, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए, कभी बढ़िया खेलते हुए नहीं देखे, हमेशा वीक टीम के खिलाफ खेलते थे, मैच जीते। इगोर स्टीमैच आए, बहुत सारा हवाबाजी करी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ही इज ए क्लाउन, ग्रेटेस्ट इवर क्लाउन इन फुटबॉल। इनको फुटबॉल का मुझे लगता है ए से लेके कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता इस बंदे को। लोग हाइप इसलिए होते हैं इगोर स्टीमैच के बारे में क्योंकि इन्होंने क्रोशिया नेशनल टीम को उस टाइम पे 2011-12 में कोचिंग करी थी, और उनका एक फोटो वायरल हुआ था मॉड्रिच के साथ, यू नो इगोर स्टीमैच का, तो लोगों का बहुत बड़ा कोच है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द इगोर स्टीमैच कि ये बंदा जब कोच बना था क्रोशिया का, तो क्रोशिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने में उनकी हालत खराब हो गई थी, वो उनको प्लेऑफ्स में जाकर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए थे, तो उन्होंने एक अच्छी टीम को खराब कर दिया था उस टाइम पे, ये इनका ट्रूथ था। तो जब भी हमारे पास कोई फॉरनर कोच आते हैं तो उनका रेज्यूमे बहुत अच्छा नहीं होता, जैसे हमारी होता है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर होता है ना बात, कि भाई घर का बंदा है तो इज्जत नहीं है, उसी तरीके से। तो क्या वो समय आ चुका है कि हमें एक इंडियन कोच को ट्राई करना चाहिए? देखो, अगर एक इंडियन कोच होगा तो उसके पास क्या रहेगा, उसको इंडियन फुटबॉलिंग सिस्टम के बारे में जड़ से पता होगा, सब कुछ पता होगा,
सब कुछ पता होगा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात कि हम पिछले 12-13 सालों से हम चूज हमारी चॉइस रहे फॉरेनर कोच और उनको सफिशियंट टाइम दिया गया। एक होता है कि आप 1 साल में किसी निकाल दे, 2 साल निकाल दो, लेकिन आप देखोगे एगोरिस्ट मैच को 5 साल, स्टीफन कॉन्स्टेंटिन को 4 साल, इतना लंबा टाइम पीरियड दिया गया, फ्रेम दिया गया है इंडियन फुटबॉल को काम करने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं है। अगर आप वही इंडियन कोचेस के बारे में बात करोगे और पुराने कोचेस का लिस्ट भी निकालोगे, कभी भी इंडियन कोचेस को ऐसा कंटिन्यूअस 4 साल 5 साल इंडियन टीम पे काम करने के लिए नहीं दिया गया है। तो ये चीज माइंड में हमें रखनी चाहिए कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए इंडियन कोचेस पे भी। और आई थिंक मेरे हिसाब से हमें ट्राई करना चाहिए कि एक बढ़िया इंडियन कोच को लाएं। अब मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि खालिद जामिल एक बढ़िया कोच हो सकते हैं। इसके पीछे देखो रीजन क्या है कि खालिद जामिल को आइडिया है, हमेशा से एक वीक टीम के साथ खेले हुए हैं और अच्छा रिजल्ट लाए हुए हैं। अभी वो जमशेदपुर एफसी के मैनेजर है तो उनके पास एक्सपीरियंस है, इंडियन ही इज ए इंडियन, उनको फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर सब कुछ पता है। और हमेशा आप देखोगे जिस भी टीम को इन्होंने मैनेजर कराया है तो हमेशा अच्छा रिजल्ट ला के दिए हैं ऑन एन एवरेज। एक बुरी टीम, एक ऐसी टीम जिससे कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ये एक इनके पास क्वालिटी है कि एक बहुत ही वीक टीम को एज ए यूनिटी खिलाकर अच्छा टीम बना देते हैं और रिजल्ट निकलवा लेते हैं। तो एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकते हैं खालिद जामिल। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर आप फॉरेनर कोच किसको प्रिफर करोगे, तो मैं एक नाम लेता हूं पीटर सगट का, जो कि तजिकिस्तान के मैनेजर थे, अभी भी वो फ्री हैं, उनको भी हायर किया जा सकता है। उनका भी रेज्यूमे बहुत अच्छा है और उन्होंने तजिकिस्तान के लिए काफी बढ़िया तरीके से कोचिंग करी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडियन कोच के लिए जा रहे हो तो खालिद जामिल को आप लो, और अगर आप फॉरेनर कोच के लिए जा रहे हो तो पीटर सगट को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब च्वाइस आप पे है कि आप नेक्स्ट आफ्टर रिगोरिस्ट मैच कोई इंडियन कोच को देखते हैं, इंडियन फुटबॉल टीम का मैनेजर, या फिर कोई फॉरनर को आप चूज करते हैं। इट्स अप टू द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। मुझे क्या लगता है कि आई एम लाइक 50-50, अगर कोई बढ़िया फॉरनर कोच हो और उसको इंडियन फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता है तो ही कुड बी अ गुड चॉइस, एंड इफ नॉट, अगर हमारे पास एक बढ़िया कोच इस तरीके रेज्यूमों का नहीं मिल पा रहा है तो वी कैन गो विद द इंडियन कोच। एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए। बहुत समय से हम हो गया है कि हमने एक इंडियन कोच को नहीं ट्राई करा है। ठीक है, तो दिस इज माई टेक। एंड आपको क्या लगता है कि हमें एक इंडियन कोच की जरूरत है अभी, एक फॉरनर कोच की जरूरत है? अगर हमें इंडियन कोच चाहिए तो कौन होना चाहिए, और अगर हमें एक फॉरनर कोच होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।